99% लोग नहीं जानते होंगे कि आंवले के सेवन से होता है पेट की सभी बीमारियों का सफाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आंवला प्रकृति की ओर से हमें दिया गया एक तोहफा है जो बहुत ही गुणकारी है। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, बालों का झड़ना बंद होता है। आयुर्वेद की दुनिया में आंवला का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे बहुत सी बीमारी को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आंवला में मौजूद तत्व पेट में होने वाली गैस एसिड की परेशानी को दूर करते हैं। इसके खाने से दिमाग तेज होता है, दिल व फेफड़े मजबूत होते हैं, स्किन की परेशानी दूर होती है, शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, बालों को बढ़ाने आदि में भी यह बहुत लाभकारी है। इसके अलावा भी आंवला के बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सी बीमारी के लिए आयुर्वेद इसे उपयोग करता है। आंवला में विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। मेटाबॉलिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है एवं पाचन क्रिया में मदद करता है। आंवला मेटाबॉलिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है। मेटाबॉलिक क्रियाशीलता से हमारा शरीर स्वस्थ और सुखी होता है। आंवला भोजन को पचाने में बहुत मददगार साबित होता है। खाने में अगर प्रतिदिन आंवले की चटनी, मुरब्बा, अचार, रस, चूड़ या च्यवनप्राश कैसा भी हो, रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर शामिल करना चाहिए। इससे कब्ज की शिकायत दूर होती है, पेट हल्का रहता है, रक्त की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, खट्टे डकार आना, गैस का बनना, भोजन का ना पचना इत्यादि में आंवला के 5 ग्राम पाउडर को पानी में भिगोकर सुबह शाम लें। आम्लीय पित्त के बुरे प्रभाव से इससे छुटकारा मिल जाता है। अगला है डायबिटीज के लिए। आंवला में क्रोमियम तत्व पाया जाता है जो डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आंवला इंसुलिन हार्मोन्स को सुदृढ़ करता है और खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्रोमियम बीटा ब्लॉकर के प्रभाव को कम करता है, जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। हृदय को स्वस्थ बनाता है। आंवला खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। आंवले के रस में शहद मिलाकर लेने से डायबिटिक वालों को बहुत ही फायदा होता है। अगला है हड्डियों के लिए उत्तम। आंवले के सेवन से हड्डियां मजबूत और उनको ताकत मिलती है। आंवले के रस में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जोड़ों के दर्द में आराम दिलाने में बहुत ही मदद करते हैं। अगला है तनाव से छुट्टी। आंवला के सेवन से तनाव में आराम मिलता है, अच्छी नींद आती है। आंवले के तेल को बालों के जड़ों में लगाया जाए तो कलर ब्लाइंडनेस से छुटकारा मिलता है और सर को ठंडा रखता है और आपको राहत देता है। अगला है संक्रमण से बचाव। आंवला में बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने की क्षमता होती है और ये बाहरी बीमारियों से हमें बचाती हैं। आंवला शरीर को पुष्ट कर उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। आंवला अल्सर, अल्सरेटिव कोलिटिस, पेट में संक्रमण जैसे विकार को खत्म करता है। आंवला का रस या पाउडर प्रतिदिन लेने से बहुत ही फायदा होता है। अगला है मूत्र विकारों से छुटकारा दिलाता है आंवला। मूत्र विकारों में आंवला का चूर्ण फायदा करता है। आंवला के छाल और इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर छान लें और उसका सेवन करें, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। किडनी में होने वाले संक्रमण को भी यह पानी खत्म कर सकता है। किडनी में होने वाले पत्थर से भी इससे छुटकारा मिलता है। अगला है वजन कम करने में। आंवला के रस का सेवन करने से वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। आंवला हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज कर वजन को कम करने में मदद करता है। आंवला के सेवन से भूख कम लगती है और काफी देर तक पेट भरा हुआ रहता है। अगला है नकसीर के लिए। अगर किसी को नकसीर की तकलीफ है तो उसे आंवला का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होगा। ताजा रस 3-4 चम्मच का सेवन करना चाहिए या 1 ग्राम चूर्ण को 50 मिलीग्राम पानी के साथ लेना चाहिए। इसके नियमित उपयोग से नाक से खून आने की आदत बंद हो जाती है। अगला है हृदय की समस्या को उबारता है। आंवला हमारे हृदय के मांसपेशियों के लिए उत्तम होता है। आंवला हमारे हृदय को स्वस्थ बनाने में बहुत ही कारगर है। आंवला हृदय की नलिकाओं में होने वाली रुकावट को खत्म करता है।
खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के फ्री रेडिकल को बनने नहीं देता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एमिनो एसिड और पेक्टिन तत्व पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देते हैं। हृदय की मांसपेशियों को मजबूती देता है। आंवला का रस प्रतिदिन सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। आंवले को किसी भी रूप में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला है बवासीर से आराम दिलाता है। आंवले के रस से बवासीर ठीक हो जाता है। आंवले के रस से आपको कुष्ठ रोग से भी आराम मिल सकता है। आंवला का पाउडर और शहद का सेवन करने से आपको उल्टी या वमन की जो बीमारी है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। ताजा रस 3-4 चम्मच का सेवन करना चाहिए या 1 ग्राम चूर्ण को 50 मिलीग्राम पानी के साथ लेना चाहिए। इसके नियमित उपयोग से नाक से खून आने की आदत बंद हो जाती है। अगला है हृदय की समस्या को उबारता है। आंवला हमारे हृदय के मांसपेशियों के लिए उत्तम होता है। आंवला हमारे हृदय को स्वस्थ बनाने में बहुत ही कारगर है। आंवला हृदय की नलिकाओं में होने वाली रुकावट को खत्म करता है। खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में मदद करता है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के फ्री रेडिकल को बनने नहीं देता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एमिनो एसिड और पेक्टिन तत्व पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बनने नहीं देते हैं। हृदय की मांसपेशियों को मजबूती देता है। आंवला का रस प्रतिदिन सेवन करना बहुत ही लाभदायक है। आंवले को किसी भी रूप में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगला है बवासीर से आराम दिलाता है। आंवले के रस से बवासीर ठीक हो जाता है। आंवले के रस से आपको कुष्ठ रोग से भी आराम मिल सकता है। आंवला का पाउडर और शहद का सेवन करने से आपको उल्टी या वमन की जो बीमारी है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। से आराम दिलाता है। आंवले के रस से बवासीर ठीक हो जाता है। आंवले के रस से आपको कुष्ठ रोग से भी आराम मिल सकता है। आंवला का पाउडर और शहद का सेवन करने से आपको उल्टी या वमन की जो बीमारी है उससे भी छुटकारा मिल जाता है। उल्टी या वमन की जो बीमारी है उससे भी छुटकारा मिल जाता है।